असम से राजीव मजुमदार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजीव गुड मॉर्निंग, पूछे क्या जानना है आपको? राधे राधे सर। सर बोल रहा था, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का 1250 स्टॉक है जो खरीदा हुआ था 99 में। सर क्या मैं इसे होल्ड करूं या क्या करूं? सर मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म का, 5 से 10। आपने राजीव जी 3-4 महीने पहले लिए थे आपने, सितंबर में लिया आपने शेयर? ऑल टाइम, हाँ सर, जब ऑल टाइम हाई चल रहा था सर तभी लिए थे सर, 3-4 महीना पहले सर। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल एक सटीक हम राय लेंगे। फंडामेंटली तो अविनाश जी मजबूत बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी बहुत ही क्लीन बैंक है। हालांकि हमने देखा है कि 100 रुपए के भाव तक गया था सितंबर में, वहीं पर राजीव ने लिया, थोड़ा सा शेयर नीचे भी आया, फिर से थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, निवेशित रहे, समय दें इसको। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली इन्वेस्टर्स को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि बैंक के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कासा 50% के ऊपर है। ठीक है, जब इन्होंने स्टॉक 99 रुपीज में खरीदा है तो 1.5-2 साल के टाइम फ्रेम पे अगर ये फ्रेम रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल है। थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक लेने के बाद इमीडिएटली तुरंत बढ़ जाए, तो ऐसे बाजार में होता नहीं है। तो करंट प्राइस पे भी मुझे लग रहा है 84 का जो प्राइस चल रहा है 90 का, तो ये अगर एक्युमुलेट करना चाहते तो और एक्युमुलेट करिए, लेकिन 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, तभी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक इनको फ्रस्ट्रेट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। फर्स्ट बैंक निवेशित रहिए, बढ़िया स्टॉक है, समय देंगे तो आपको प्रॉफिट भी आगे ये जरूर देगा। राजीव जी आपके लिए ये सलाह अविनाश जी की तरफ से।